सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द फीस, कि फीस यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो फ्री है या नहीं, और अगर फ्री नहीं है तो कितनी फीस है, और अगर फ्री है तो भी जो वो सेमेस्टर चार्जेस या सेमेस्टर फीस है वो कितनी। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, और आज हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारी बार कमेंट किया था कि आप लोगों को यहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है और यहाँ की एजुकेशन कैसी होती है, तो उसी के लिए निर्मल हैं हमारे साथ। तो वो हमें बताएंगे कि हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं, होपफुली वो आपको हेल्प करे। तो वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल, और हम स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो जो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एंड इसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो ये हम लोगों को शेयर करेगा हमसे। निर्मल, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि आप कैसे यहाँ पर आए, इंडिया में कहाँ से हो और वगैरह वगैरह। हाय, माय नेम इज़ निर्मल एंड आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड, and I studied in Bangalore, then I moved to Gurgaon, and from past 7 to approximately 8 years I've been working in Gurgaon, and I was working in marketing and advertising sector. Then I thought to upgrade my learning and found out this amazing course in German. So I'm studying MBA International Management full time at ESB Business School, and this is a 1-year course. गाइस, ये जो वीडियो का मोटिव है वो ये है कि ये जो लोग हैं, निर्मल और सोनम भी है, वो पीछे है, बाद में मिलवाते हैं उससे, ये लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए का कोर्स कर रहे हैं। उसकी फ़ीस क्या है, इन लोगों ने कैसे अप्लाई किया यहाँ पर, क्या इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी इन जर्मनी, बेसिकली एमबीए जो इन्होंने किया है अगर आपको सेम यूनिवर्सिटी से करना है, और इसके अलावा बिकॉज़ इन लोगों ने अपना पूरा कोरोना के टाइम पे यहाँ पर स्टडी किया तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो इससे रिलेटेड मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगी, एंड हाँ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो निर्मल, सबसे पहला क्वेश्चन कि यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, है ना, और क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है हम इंडियंस के लिए, जो सर्टिफिकेट्स या तो तुम्हें दिखाने पड़े होंगे या तुमने डॉक्यूमेंटेशन वर्क किया होगा, बिकॉज जर्मनी में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जस्ट टू थिंक, कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। काफ़ी एक्सटेंसिव क्वेश्चन है फर्स्टली। सो क्राइटेरिया ये है यहाँ पर दैट यू नीड टू बी एटलीस्ट होल्डिंग 3 to 4 ईयर्स ऑफ जॉब एक्सपीरियंस, ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। देन आपको GMAT देनी है, GMAT स्कोर शुड बी एटलीस्ट 550, एंड देन यू अप्लाई ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ESB बिजनेस स्कूल एंड विथ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, योर रिज्यूमे, योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, योर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट्स, योर GMAT, एंड यू ऑल्सो नीड टू गिव IELTS। बेसिक स्कोर शुड बी 6.5 मे बी अराउंड, एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द वीज़ा एनी विच वे, सो यू नीड टू गिव दैट। And then you apply on the website, और फिर आपको एक इंटरव्यू कॉल आती है इफ़ यू आर सेलेक्टेड। फिर एक जेनरिक इंट्रोडक्शन है अबाउट योर सेल्फ एंड वट इज़ द मोटिवेशन टू डू MBA एंड वाई दिस कॉलेज और वाई दिस कंट्री एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो यू जस्ट नीड टू गिव आंसर्स एंड देन फिर आप क्वालिफाई हो जाते हो। उसके बाद साइमल्टेनियसली अगर आप मोटिवेटेड हो यहाँ पर आने के लिए तो आप एक वेरीफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दो अपने डॉक्यूमेंटेशन की, क्योंकि जो भी हमने पढ़ाई करी है इंडिया में वो शायद यहाँ पर वैलिड है या नहीं है, ये इनको चेक करना होता है। सो देर इज़ अ बॉडी कॉल्ड स्टूडेंट कोलिगन, ये पूरे स्टेट की बॉडी है। कोई भी कॉलेज अगर आप जहाँ पर आप पढ़ना चाहते हो, आपको यहाँ से वेरीफिकेशन करानी है अपने डिग्रीज़ की। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, आपको अपने डिग्रीज़ 12th एंड ग्रेजुएशन, अगर आपके पास मास्टर्स है तो मास्टर्स, इनका ट्रांसक्रिप्ट और इनका सर्टिफिकेट आपको वाया कुरियर इनको मेल करनी होती है। इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्टूडेंट कोलिगन के वेबसाइट पे मिल जाएगी,
एंड देन यू गेट अ वेरीफिकेशन लेटर फ्रॉम देयर साइड एंड यू नीड टू सबमिट दैट लेटर टू द यूनिवर्सिटी एज वेल एंड दीज टू आर वेरी सेपरेट प्रोसेसेस एंड दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहो कि मेरे पास टाइम नहीं है या यूनिवर्सिटी डेडलाइन पास हो रही है, सो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. एंड देन यू अप्लाई विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स. फिर आपको फीस भरनी है फर्स्ट सेमेस्टर की. ओके, सो दिस वॉज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन आई बिलीव. तो निर्मल ने कुछ चीज़ें बताई जिसकी मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी. होपफुली आपको हेल्प करे अगर आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ की यूनिवर्सिटी में. एंड ऑफ कोर्स जो बिकॉज ही इज़ डूइंग फ्रॉम पब्लिक यूनिवर्सिटी, तो इसकी फ़ीस कितनी है, क्योंकि एक बूम है हमारे यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी की, ज़ीरो फीस होती है, फ़ीस नहीं होती, तो उसका आंसर ये सबसे लास्ट में देगा. तो हम लोग आपको सबसे लास्ट में इसका आंसर देंगे. टू स्टिक टू दिस वीडियो टिल द एंड. तो सेकंड क्वेश्चन है मेरा, अब हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन से थोड़ा अच्छे उसमें आते हैं. ये कोरोना काल जो इसने सबकी ऐसी वैसी कर दी, कोरोना काल में तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, तुमने मस्ती करी? बिकॉज जब मैं अगर सोचूं कि मुझे जर्मनी में पढ़ने आना है, तो मैं सबसे पहले यही सोचूंगी कि यार मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ, दूसरे दूसरे जगह के लोग हैं, मस्ती कर रही हूँ, मतलब वो वाला जो एक मूवीज़ में हमारे में दिखाते हैं ना वैसा. तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा वो बता. आई थिंक फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन टिल द टाइम वी केम टू जर्मनी, इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल थ्रू आउट फॉर एवरी वन. आई थिंक फ्रॉम वीज़ा स्लॉट टू गेटिंग आर डॉक्यूमेंटेशन इन प्लेस, काफ़ी ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था. लास्ट टाइम तो बहुत लोग को समझ में आ रहा था कि कोरोना क्या है या रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, लॉकडाउन क्या है. एंड दिस टाइम आई थिंक पीपल आर नाउ काइंड ऑफ एडजस्टेड देमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस. सो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था. बट आई थिंक इंक्लूडिंग मी एंड एवरीवन एल्स हु डेयर टू टुक दिस MBA इन दिस टाइम, आई थिंक वी डिड समथिंग लास्ट ईयर. एटलीस्ट वी आर एटलीस्ट प्रोग्रेस टू अ लेवल, मे बी लर्निंग कर्व बढ़ा हमारा, कुछ तो सीखा हमने. तो इस चीज़ के लिए आई एम काइंड ऑफ प्राउड एंड एज वेल एज सेटिस्फाइड विथ माई डिसीजन. यहाँ पर आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला. ऐसा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं था जो जैसा होना चाहिए, बट ठीक है. मतलब वी एटलीस्ट we learned something. We learned in terms of making new experiences, getting accustomed to new environment. काफ़ी कुछ सीखने को मिला. पढ़ाई में कोई मेरे ख्याल से इतने डिफरेंस नहीं आया. आई एम श्योर बहुत अच्छा हो सकता था. जब आप फेस टू फेस पढ़ाई करो और अभी करो तो काफ़ी फ़र्क होता है. एंड इन फैक्ट मैनी ऑफ यू वुड बी डूइंग योर ग्रेजुएशन, आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ. सो वो एक बात है. इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, आई थिंक कोई कमी नहीं थी. जितना हो सकता था उन्होंने भी किया. मतलब माइक्रोसॉफ्ट टीम से लेकर, जूम कॉल से लेकर, जितनी भी पोर्टल्स थे आपके जिसमें आपको असाइनमेंट सबमिट करनी थी, आपको सारे मटेरियल्स मिलते थे ऑन टाइम. आई थिंक दे ऑल्सो डिड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क ऑन दैट. सो इट वॉज़ गुड इन होलिस्टिकली, इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस. और रिस्ट्रिक्शंस थे, बट लिमिटेड नंबर्स में मिल सकते थे अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से शाम में या मे बी वीकेंड्स में, और हम शेयर करते थे अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने वट एवर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, इन टर्म्स ऑफ आर एक्सपीरियंस इन लिविंग इन जर्मनी. So it was a good, decent experience, I would say. Corona के बावजूद भी जो main जो focus था पढ़ाई, वो उस पर कुछ effect नहीं आया ना, वो तो वैसी ही चली. You needed to be self-motivated. I think many of us were motivated to prove ourselves. And since we took such a huge risk coming from a settled job from India, investing a lot of money in this journey of ours. आई थिंक वो मोटिवेशन खुद में थी थोड़ी सी, और प्लान भी नहीं था हमारे पास, बिकॉज देर इज़ नो प्लान बी इन दिस केस. वी हैव ऑलरेडी लेफ्ट आर लाइफ, आर जॉब, आर फैमिली. सो यहाँ पर आकर वी जस्ट वॉन्टेड टू प्रूव, एंड मे बी जस्ट वॉन्टेड टू
यू नो स्विम अवे फ्रॉम दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जो चैलेंजेस है, बिकॉज ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है और सब ने पहली बार ऐसा टाइम देखा है, तो क्या चैलेंजेस तुमने फेस करे यहाँ पर? हो सकता है कुछ लोग जो हमारी ऑडियंस देख रही है वो आने वाले हों नेक्स्ट सेमेस्टर में या अपना अप्लाई कर रहे हों, तो आई थिंक उनके लिए ये बहुत ही अच्छा तुम्हारा एक्सपीरियंस है होगा जो उनसे हम लोग शेयर कर सकते हैं. आई गेस पहली पॉइंट होनी चाहिए कि जर्मन लैंग्वेज, मेरे ख्याल से सबने सुन रखा है ये बहुत सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी, वी कैनॉट एस्केप फ्रॉम दिस पॉइंट. दिस इज़ वेरी क्रूशल फॉर एवरीथिंग, फॉर एंगेजमेंट, फॉर जॉब, फॉर स्टडीज़, फॉर इंटरेक्शंस, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी टाइम है, सो अगर कुछ लोग ज्वाइन कर सकते हैं आई थिंक जर्मन लैंग्वेज कोर्स, ऑनलाइन हो कैसे भी हो, मतलब बट यू शुड एटलीस्ट स्टार्ट इट. Go for it. Don't wait for a good teacher, for a good job, or for a good website, or जो भी है, just go for it. एक ये चीज़ होगी. Second, जो हमारी educational system है इंडिया में वो काफ़ी different है from what they expect in Germany. So in India, I think most of the things will be taught by the professor or the teacher, and then you expect that nothing will come out of the syllabus, but here it's different. You need to do your kind of, you need to give lot of time to self study, और जितनी पढ़ाई हुई है उसके आगे की पढ़ाई में भी इन द सिमिलर आपके टॉपिक में कितना भी कर सकते हो वो करनी पड़ेगी. सो मेरे ख्याल से एक वो दिमाग में रहनी चाहिए. थर्ड, अकेडमिक राइटिंग और रिसर्च पेपर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, बिकॉज इन इंडिया मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, आई एम नॉट श्योर अबाउट एवरी वन एल्स, आई हैव नेवर रिटन अ रिसर्च पेपर, बट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है. इनफैक्ट बहुत सारी सब्जेक्ट्स में जो क्राइटेरिया है मार्किंग की वो रिसर्च पेपर ही है, एकेडमिक राइटिंग. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो मास्टर थीसिस होल्ड्स अ वेरी वेरी हाई मार्क्स इन टर्म्स ऑफ योर डिग्री, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन दिस टाइम फ्रेम जब आप प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ पर आने के लिए, तो ये दो तीन चीज़ अगर आप शुरू से करना शुरू कर लो या दिमाग में डाल लो, तो फिर यहाँ पर सर्वाइवल थोड़ी सी ईजी हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन निर्मल, अबाउट द इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट वही चीज़ होती है कि यार हम सेटल हो पाएंगे वहाँ कि नहीं, तो इंटर्नशिप में कितना डिफ़िकल्ट हुई, बिकॉज एज यू आर सेइंग कि जर्मन लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है एंड ऑफकोर्स हमें नहीं आता जब हम पहले आते हैं, तुम्हें भी नहीं आती जर्मन लैंग्वेज, तो ऑफकोर्स तुम बताओ कि इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, यू आर डूइंग मास्टर्स कोर्स, MBA कोर्स इन फ्रॉम द जर्मन यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद तुम क्या बोल सकते हो अपनी ऑडियंस को कि हाँ यार ये डिफ़िकल्ट है, नहीं है, या फिर ऑफकोर्स मेहनत से तुम पा सकते हो, व्हाट्स योर व्यू? आई थिंक फर्स्ट थिंग इज़ यहाँ पर कैंपस नहीं होता है, जैसे जो इंडिया में कॉलेजेस में कंपनीज आती थी एंड यू इंटरेक्ट एंड दे केम विद अ माइंडसेट टू रिक्रूट यू, यहाँ पर वो नहीं है. दे विल ऑर्गेनाइज फ्यू फेयर्स टू, यहाँ पर हमारे कोर्स में दो बार जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, एक नवंबर में होता है और एक अप्रैल में होता है. कंपनीज आएंगी, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी, मतलब माइंड ब्लोइंग कंपनीज आएंगी. यू नेम अ कंपनी एंड दे विल बी हेयर, फ्रॉम Nestle to PwC to Deloitte to Accenture, everyone will be here. But it's very difficult that they are here to recruit you. Matlab recruitment ho bhi sakti hai but nahi bhi ho sakti, matlab you can never say that. So ek networking ki opportunity hoti hai, we can interact with them, we can understand what their mindset is, what they are looking inside a candidate, especially someone who is coming from an international country, not from Germany or not from Europe. इंटर्नशिप के लिए एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है. एक व्हेन वी स्टार्ट, यू नीड टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. यू डू लॉट ऑफ नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन, ऑन स्टेप स्टोन. यहाँ पर लिंक्डइन से ज़्यादा एक स्टेप स्टोन करके एक इनकी वेबसाइट है जहाँ पर जॉब्स आते हैं. यू गो ऑन दी करियर पेज ऑफ कंपनीज एंड चेक दी पॉसिबिलिटीज, बिकॉज लिंक्डइन में थोड़ी देर से आती है, उनमें पहले आ जाती है. एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. यू माइट गेट समथिंग वेरी क्विकली और यू माइट नीड टू वेट फॉर maybe 3-4 months. So for me it was a great challenge. I think I put on 100 plus applications, 100 plus rejections the, but towards the end I think out of 100-105 mein mujhe ek ya do interview aaye the, to fortunately meri wo nikal gayi. But for everyone else jo mere batch mein hai, it also depends ki matlab aapki profile kya hai, aapka application kaisa gaya hai, और आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मार्केट में. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट टाइम, राइट अप्रोच एंड इन अ राइट सेट स्टैंडर्ड इनको चाहिए होता है. इनका रिज्यूमे का फॉर्मेट भी, इट्स आल्सो वेरी डिफरेंट.
सो ये पूरी स्टडीज़ हैं, यू नीड टू ओवरकम दिस. एंड यूनिवर्सिटी काफ़ी सारी वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करती हैं स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वेर इन दे टीच अस हाउ टू राइट अ कवर लेटर, हाउ टू डिज़ाइन योर रिज्यूमेज एज पर द जर्मन फॉर्मेट. सो प्रोफेसर्स काफ़ी आपको हेल्प करते हैं इसमें, बट आपको करना खुद से, यू नो, यू नीड टू गो टू ऑल दी कंपनीज इंडिविजुअली उनके वेबसाइट्स में और आपको अप्लाई करनी पड़ती है. मिल जाती है अभी, इट्स मे, तो जनवरी से मैंने शुरू किया था, मार्च तक हमारी पढ़ाई थी. फर्स्ट ऑफ अप्रैल से वी वर सपोज टू गो ऑन इंटर्नशिप. बहुत लोगों ने शुरू कर दी फर्स्ट ऑफ अप्रैल से, मैंने फर्स्ट ऑफ मई से शुरू करी क्योंकि मेरे को ऑफ़र आते आते इट वॉज़ ऑलरेडी लेट अप्रैल, सो वो टाइम लग जाता है. एंड देर आर आई थिंक आउट ऑफ 45 देर आर 7 or 8 पीपल स्टिल हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट इंटर्नशिप. सो इट्स अ प्रॉब्लम एज वेल, इट्स अ प्रॉब्लम, इसको वो इग्नोर नहीं कर सकते. और फुल टाइम के लिए जब आपको पता है जब इंटर्नशिप में इतनी प्रॉब्लम है तो फिर फुल टाइम में तो है ही, जॉब्स बहुत हैं, ऐसी नहीं कि जॉब्स नहीं है, बट मे बी वी आर नॉट सूटेबल इनफ, और जो उनको चाहिए वो है नहीं. सबसे पहले जर्मन लैंग्वेज, वो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको फ्लुएंट जर्मन बोलना पड़ेगा. फ्लुएंट मतलब बिजनेस प्रोफिशिएंसी चाहिए उसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अपार्ट फ्रॉम अदर स्किल्स. एंड इंटर्नशिप पे कुछ पे करते हैं क्या यहाँ पर? क्योंकि इंडिया में इंटर्नशिप पे कुछ पे नहीं करते हैं और बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे करते हैं, तो यहाँ पर इंटर्नशिप पे कुछ पे करते हैं? आई डोंट वांट टू से द अमाउंट, जस्ट यस और नो. काफ़ी सरप्राइजिंग है हमारे लिए भी, क्योंकि जिस तरह से इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन आते हैं इंटर्नशिप के लिए, वो काफ़ी डिटेल्ड होते हैं. मतलब यू विल नो वट वुड बी द डेवलपमेंट प्लान फॉर यू, वट आर द एक्सपेक्टेशंस एम्प्लॉयर की, तो वो काफ़ी अच्छा लगा देखकर. एंड हमारे कोर्स में 2 months ऑफ मैंडेटरी इंटर्नशिप है, उसमें थोड़ी कम पे मिलती है. एंड जो वॉलंटरी इंटर्नशिप है यू कैन डू फॉर 4 months, सो 2+4 का ये पूरा पैकेज बन जाता है. एंड दे विल पे यू दी मिनिमम वेज, जो कि अच्छी है, मतलब यू कैन सर्वाइव. ओके, दैट्स अ गुड थिंग. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एकोमोडेशन. लाइक तुमने पहले से ही इंडिया से ही एकोमोडेशन जो है वो सर्च किया था और यहाँ आके सर्च किया था, तो यू कैन शेयर दैट एज वेल, बिकॉज ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बिकॉज किस से कॉन्टैक्ट करें, कहाँ पर कॉन्टैक्ट करें, अकोमोडेशन कैसे फाइंड आउट करें, और इट्स इज़ दैट द राइट जगह. क्योंकि कुछ मेरे पास मेल आए थे एंड दे सेड दैट कि हमें नहीं पता, हम पैसे तो दे देंगे पर उसके बाद पता नहीं ये सही है या नहीं, हो सकता है वो हमारे पूरे पैसे लेके भाग जाएँ. तो क्या सही तरीका है अकोमोडेशन का? I think the most safest way to select any hostels is to go via university. जब आप university के link पर जाओगे, there will be supports in terms of private players के वहाँ पर links होंगे, वहाँ पर आपको apply करना पड़ता है well in advance, क्योंकि apart from ESB यहाँ पर बहुत सारे colleges हैं in the same university, so काफ़ी flow होता है students का. प्लस पास में एक और सिटी है Tübingen, which is also a very famous university, तो वहाँ से भी काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं. तो बेस्ट वे इज़ टू अप्लाई टू हॉस्टल्स विच आर रिकमेंडेड बाय द यूनिवर्सिटीज़. वहाँ पर आप सेफ रहते हो और पैसे भी कम होते हैं और आपको कॉन्ट्रैक्ट टाइम से मिल जाता है. बट मैंने जैसे, अगर आपको नहीं चाहिए हॉस्टल्स, मुझे नहीं चाहिए था, तो कुछ ऐप्स हैं जिसमें आपको जिसमें आप घर देख सकते हो और आपको मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट. थोड़ा सा रिस्की होता है, बट आई वॉज फॉर्चुनेट मे बी, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फीस. एंड सोनम, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन नाउ, पीछे से बैठ के देख रही है. तो भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द फीस, कि फीस यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो फ्री है या नहीं, और अगर फ्री नहीं है तो कितनी फीस है, और अगर फ्री है तो भी जो वो सेमेस्टर चार्जेस या सेमेस्टर फीस है वो कितनी है? ओके, हेलो एवरीबडी, आई एम सोनम, आई एम ऑल्सो डूइंग MBA like Nirmal is doing. About MBA, I think none of the university around the world has free education. Koi bhi university aap pick kar lo, fee hai hi MBA ke liye. MS mein nahi hai, but MBA is not free anywhere. Or the best part of this university is that our fee is 6900 euros for the entire course for 1 year, jo aapko do installment mein deni hoti hai. Pehla installment September mein before you join. That would be 3,500 or 700, including other student charges and हाँ.
बेसिक, सो आई थिंक 3600, और दूसरा इंस्टॉलमेंट कम्स इन जनवरी, और ये इंस्टॉलमेंट में ही देने होते हैं, आप एक साथ पूरी फ़ी दे भी नहीं सकते हो. सो आई थिंक दिस इज़ द चीपेस्ट MBA दैट वी हैव सीन सो फार, एंड इट्स वन ईयर, तो आप जल्दी ख़त्म कर लेते हो. इट्स नॉट वन एंड हाफ और टू ईयर्स, सो यू आर नॉट स्टडिंग एंड लूजिंग ऑन नॉट वर्किंग आई वुड से, बिकॉज निर्मल और मेरा दोनों का ही 8 साल का एक्सपीरियंस है, एंड वी वर मोर स्कैर्ड कि 2 साल हम पढ़ाई कर भी पाएंगे क्या. इट वॉज सो डिफिकल्ट टू कम बैक टू दैट जोन, एंड ऑनेस्टली इंटर्नशिप भी मेरे लिए एक क्वेश्चन था. 8 साल काम करने के बाद मैं वापस से इंटर्न बन के कैसा फील करूँगी. बट ऑनेस्टली यहाँ का सिस्टम इज सो ट्रांसपेरेंट, एंड यू नो वॉट इज गोइंग टू हैपन. लाइक निर्मल ऑलरेडी मैंशन की जॉब डिस्क्रिप्शन से यू वुड नो एग्जैक्टली तुम क्या काम करने वाले हो, तुमसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, और तुम उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करोगे. तो आई थिंक एज एन इंटर्न ऑल्सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ. इट्स वेरी स्मूद, एवरीबडी इज़ वेरी हेल्पफुल आई वुड से, एंड आई वॉज लकी टू गेट एन इंटर्नशिप इन इंग्लिश, सो बच गई, और मुझे जर्मन बिल्कुल नहीं आती है. तो दैट्स अ नाइस थिंग कि मतलब आप लोग यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो. इट्स अ वेरी मिनिमल फीस, लाइक 6900 एग्जैक्टली MBA. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ कोरोना थोड़ा एक्सपीरियंस इन लोगों का अच्छा नहीं है. अदर देन दैट तो मुझे जितना भी मैंने सुना दोनों की बात, मुझे लगा कि हाँ इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. एंड थैंक यू यार, तुम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, और कभी और बुरा कोई एक्सपीरियंस हो तो भी बताना. बट दिस इज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस कॉलेज इज एक्रेडिटेड बाई AACSB, विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस एक्रेडिशन. मेरे ख्याल से इंडिया में आई थिंक टॉप 20 या टॉप 22-25 कॉलेजेस होंगे जिसको एक्रेडिशन मिली है. सो If anyone is thinking ki what if they want to go back from Germany, kuch nahi hota hai ya jo bhi reason hai, to our degrees will be recognized in India as well. You can get a good job there, so we can always go back and work in India obviously. So ye ek bahut important cheez hai, kyunki ye jo accreditation hai, agar aap is college fir aap GMAT jab doge, aap bahuton ko 620 630 ya 650 के ऊपर भी नंबर्स आते हैं, बट देन द फीस विल ऑल्सो इंक्रीज. मे बी आप जब भी यूरोप या अमेरिका में किसी कॉलेज को देखते हो, आई डोंट थिंक एनी कॉलेज इज़ देयर जो आपको इस बजट में आपको MBA डिग्री मिलती है, विच इज़ ऑल्सो रिकग्नाइज. प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट में भी इन जर्मनी यू नीड टू पे आई थिंक 20 अप्रॉक्सीमेटली, बट गेटिंग AACSB फ्रॉम पब्लिक यूनिवर्सिटी MBA इन 1 ईयर, आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट बेट. तो आई थिंक आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी पता चल गई जो सस्ती भी है. मतलब आई गेस हम लोग अगर 5 साल जॉब करी है तो तुम लोग ने अपनी सेविंग से ही फीस भर दी होगी. तो अच्छी भी है और अच्छा एक्सपीरियंस है इनका. बाकी डिटेल्स हम लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल देंगे. वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, और क्या अच्छा लगा वीडियो में वो भी बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना. बाय बाय.